हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका। मैं अभिषेक शर्मा फ्रॉम प्रोविंग सीएस। टुडे वी आर डूइंग द केस स्टडीज ऑफ टेकओवर चैप्टर। टेकओवर चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड टेक्निकल चैप्टर भी है। एंड अगर आपने मेरी एबीसी एनालिसिस की सीरीज देखी होगी विच हैव वी हैव बीन मेड विद रिस्पेक्ट टू ऑल द सब्जेक्ट्स, कि कौन से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर मॉडरेट इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर लेस इंपॉर्टेंट है, विच विल हेल्प यू टू प्रायोरिटाइज योर स्टडीज। In that case, you must have seen that takeover is category A chapter, very important chapter, and इस chapter की case studies bit technical होती हैं. So let's understand what kind of case studies institute have asked from this particular chapter, और उन case studies को किस तरीके से solve किया जाए. So without wasting any time, let's start with the case studies of takeover chapter. So student, the first case study being asked in 2014. दिसंबर 1 है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया है। इट सेज दैट इन अ पर्टिकुलर केस द टारगेट कंपनी, मतलब लिस्टेड कंपनी, इशूड 200 लैक्स वारंट एट द रेट ऑफ 100 पर वारंट टू टू प्रमोटर्स, इनेबलिंग देम टू गेट अ राइट टू हैव इक्विटी शेयर्स एट अ लेटर डेट बाय पेइंग रुपीज 50 करोड़ अप फ्रंट। मतलब उनको पहले कितना पे करना पड़ेगा, कंपनी ने कितने वारंट इशू किए हैं, 200 लाख, किस प्राइस पे, 200 पर वारंट। किसको इशू किया गया है, टू टू प्रमोटर्स, इनेबलिंग देम टू गेट द राइट टू हैव इक्विटी शेयर्स एट अ लेटर डेट बाय पेइंग रुपीज 50 करोड़ अपफ्रंट। मतलब अपफ्रंट पे किया गया 50 करोड़ का, बैलेंस पे किया जाएगा ऑन कन्वर्जन। Assume that such a preferential allotment is made as per preferential issue guidelines of SEBI. In a takeover bid, the contention before SEBI is that whether these warrant should be treated as partly paid up share. मतलब SEBI के सामने ये question था that with respect to the takeover, क्या इन warrant को partly paid shares के रूप में consider किया जाए, because 50 करोड़ upfront pay कर दिया है, balance pay किया जाएगा on conversion, तो क्या ये warrant partly paid shares के रूप में treat होने चाहिए। अब देखो बच्चों, अगर आपको कोई भी केस स्टडी आती है, द बेस्ट वे टू प्रेजेंट द केस इज दैट यू ऑलवेज नीड टू राइट द फैक्ट ऑफ द केस, देन यू हैव टू राइट द एप्लीकेबल सेक्शन, एंड देन यू हैव टू राइट द आंसर। अब फैक्ट ऑफ द केस में व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट एवर द क्वेश्चन बीइंग गिवन, उसको जितना शॉर्ट एंड प्रिसाइज हो सकता है उस तरीके से प्रेजेंट किया जाए पॉइंट वाइज। एंड इफ यू कैन नॉट ड्यू टू एनी रीजन, तो जो भी क्वेश्चन दिया है उसको पॉइंट वाइज कन्वर्ट कर दो। क्लियर? तो यहाँ पे क्या लिखा है, इट सेज दैट अ टारगेट कंपनी इशू 200 लाख वारंट एट द रेट ऑफ 200 पर वारंट टू टू प्रमोटर, इनेबलिंग देम टू गेट द राइट टू हैव इक्विटी शेयर्स एट अ लेटर डेट बाय पेइंग 50 करोड़ अपफ्रंट। जो उन्होंने क्वेश्चन पढ़ा था उसी को फैक्ट ऑफ द केस में प्रोड्यूस किया गया है। सेकेंड केस क्या दिया है, दैट सच प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट इज मेड एज पर प्रेफरेंशियल इशू गाइडलाइंस ऑफ सेबी। अब एक चीज समझो, अगर हम लोग टेकओवर कोड देखते हैं तो टेकओवर कोड में शेयर्स का क्या मीनिंग दिया है। नाउ टेकओवर कोड में हम लोग जब भी शेयर्स की बात करते हैं तो वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट सच इंस्ट्रूमेंट विच इज हैविंग वोटिंग राइट। तो क्या लिखा है, एज पर रेगुलेशन 215 ऑफ सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर रेगुलेशन 2011, शेयर्स मींस शेयर्स इन द इक्विटी शेयर ऑफ द टारगेट कंपनी कैरिंग वोटिंग राइट। देखो वट एवर इज इंपॉर्टेंट is that having voting right and includes any security which entitles the holder thereof to exercise voting right। मतलब कोई भी instrument जो holder को ये entitlement देता है to exercise voting right। मतलब what is very important with respect to shares, कि shares किसको बोला जाएगा, shares मतलब equity shares, shares मतलब वो हर एक instrument जो holder को voting right provide करता है। अब यहाँ पे explanation में क्या दिया है, इट सेज दैट फॉर द पर्पज दिस क्लॉज शेयर्स विल इंक्लूड ऑल डिपॉजिट रिसीव कैरिंग एन एंटाइटलमेंट टू एक्सरसाइज वोटिंग राइट इन द टारगेट कंपनी। मतलब यहाँ पे डिपॉजिट रिसिप्ट को भी शेयर्स बोला गया है, इफ दैट डिपॉजिट रिसिप्ट प्रोवाइड एन एंटाइटलमेंट टू एक्सरसाइज वोटिंग राइट इन टारगेट कंपनी। मतलब यहाँ पे शेयर्स को किससे रिलेट किया गया है, शेयर्स मतलब एनी इंस्ट्रूमेंट विच इज हैविंग वोटिंग राइट। तो मतलब शेयर्स मतलब यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है, विच मीन्स दैट यहाँ पे वट दे आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट इज दैट शेयर्स मतलब इक्विटी शेयर्स
एंड एनी अदर इंस्ट्रूमेंट हैविंग वोटिंग राइट। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे यही है कि शेयर्स का मतलब यहाँ पे क्या है, शेयर्स का मतलब है इक्विटी शेयर्स, शेयर्स का मतलब है कोई भी इंस्ट्रूमेंट विच इज हैविंग वोटिंग राइट। अब बच्चों एक चीज समझो, क्या वारंट में आपको वोटिंग राइट मिलता है? नहीं, वारंट में आपको 25% मार्जिन जो अमाउंट होता है वो आपको अपफ्रंट पेमेंट करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, एंड बैलेंस अमाउंट आपको पे करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन, अगर आपने कन्वर्जन ऑप्शन को एक्सरसाइज किया तो। अच्छा, अगर आपने कन्वर्जन ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं किया तो वहां पे जो भी आपने मार्जिन पे किया है वो फॉरफिट हो जाएगा, विच मीन्स दैट जब तक वारंट में कन्वर्जन ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा वारंट इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होगा, एंड बिकॉज जब तक ये इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होगा इसमें वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या लिखा है, दैट इन व्यू ऑफ द अबो वॉरेंट नीदर एंटाइटल्ड इज होल्डर टू एक्सरसाइज वोटिंग राइट इन द कंपनी नॉर प्रोवाइड एनी कंट्रोल ओवर द टायर कंपनी। मतलब वॉरेंट की वजह से न तो आपको वोटिंग राइट मिलता है होल्डर को और न ही कंट्रोल मिलता है। अब एक चीज समझो, अगर वोटिंग राइट नहीं मिला तो रेगुलेशन 3 में आपको ओपन ऑफर नहीं देना है अंडर टेक ओवर रेगुलेशन, अगर कंट्रोल नहीं मिला तो रेगुलेशन 4 में भी ओपन ऑफर नहीं देना है, विच मीन्स दैट वॉरेंट does not require or does not trigger the takeover requirement. तो क्या लिखा है, therefore warrant holder neither vest with voting right nor vest with control and therefore the contention of SEBI to treat warrant as partly paid up share is not correct. Very important. इसका मतलब warrant न तो आपको voting right provide करता है न control provide करता है, इसलिए SEBI को warrant को as partly paid up shares के रूप में treat करना बराबर नहीं है। The requirement of making open offer under SEBI takeover regulation shall not, very important, कि अगर आपको open offer की requirement देनी पड़ती है under takeover regulation तो ये जो requirement है ये कब applicable नहीं होगा, कब trigger नहीं होगा, shall not trigger on the issue of warrant but only on their conversion into equity shares। मतलब अगर आप किसी को warrant issue कर रहे हो तो ये requirement trigger नहीं होगा, ये रिक्वायरमेंट ट्रिगर कब होगा जब वो वॉरेंट इक्विटी में कन्वर्ट होगा। क्लियर? तो यहाँ पे व्हाट इज बीइंग सेड, दैट क्या वॉरेंट को पार्टली पेड शेयर्स के रूप में कंसिडर करना चाहिए, आंसर इज नो। क्लियर? मतलब अंडरस्टैंड वन थिंग फ्रॉम अ टेक ओवर प्रोस्पेक्टिव, शेयर्स मीन्स दोज इंस्ट्रूमेंट विच इज हैविंग वोटिंग राइट एंड वॉरेंट डज नॉट हैव एनी वोटिंग राइट एंड देयरफॉर वॉरेंट शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज शेयर्स और पार्टली पेड अप शेयर्स। क्लियर? चलो नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ ये क्वेश्चन 2015 में आया एंड सी द मार्क्स, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, 10 मार्क्स का क्वेश्चन बच्चों, मतलब अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो 10 मार्क्स वहीं सेफ हो जाता है। तो लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन इज। इट सेज दैट काइंड एंटरप्राइज लिमिटेड हैज डिसाइडेड टू एक्वायर 25% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ एक्सेल लिमिटेड व्हिच इज अ लिस्टेड कंपनी। मतलब काइंड एंटरप्राइज लिमिटेड क्या कर रहा है, वो एक्सेल लिमिटेड 25% एक्वायर कर रहा है। इसका मतलब यहां पे इस क्वेश्चन में काइंड एंटरप्राइज लिमिटेड क्या है, एक्वायरर। क्लियर? एंड एक्सेल लिमिटेड क्या है, टारगेट कंपनी। क्लियर? क्या लिखा है, एंड वॉन्ट टू प्रोसीड विद अ पब्लिक ऑफर परसुएंट टू द प्रोविजंस ऑफ सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर रेगुलेशन 2011। मतलब यहाँ पे काइंड एंटरप्राइज लिमिटेड जो कि एक्वायरर है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ओपन ऑफर देना पड़ेगा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ टेकओवर कोड। नाउ प्रिपेयर अ बोर्ड नोट हाईलाइटिंग द जनरल ऑब्लिगेशन ऑफ काइंड एंटरप्राइज लिमिटेड। अब देखो बच्चों यहाँ पे ऊपर जो कहानी दी है ना, एंड इफ यू सी द क्वेश्चन, क्वेश्चन में एक्चुअली डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑब्लिगेशन ऑफ एक्वायरर बताना है, दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग। ऊपर जो कहानी दी है उसमें सिर्फ ये बताने की कोशिश की गई है कि कौन एक्वायरर है, कौन टारगेट कंपनी है, एंड दे आर आस्किंग द स्टूडेंट टू प्रिपेयर बोर्ड नोट। अब कैसे बोर्ड नोट प्रिपेयर करते हैं, लेट्स सी दिस थिंग। तो यहाँ पे बोर्ड नोट आप किसको रिप्रेजेंट करोगे, टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ काइंड एंटरप्राइज लिमिटेड। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इज अ नोट हाईलाइटिंग द जनरल ऑब्लिगेशन ऑफ काइंड एंटरप्राइज लिमिटेड। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, हु इज काइंड एंटरप्राइज लिमिटेड इन दिस एंटायर ट्रांजेक्शन,
काइंड एंटरप्राइज लिमिटेड इज एक्वायरर। तो अगर काइंड एंटरप्राइज लिमिटेड एक्वायरर है तो हम लोग को एक्चुअली आंसर में क्या प्रेजेंट करना है, वी हैव टू मेंशन द ऑब्लिगेशंस ऑफ एक्वायरर एंड दैट इज बीइंग गिवन अंडर रेगुलेशन 25। तो क्या लिखा है, एज पर रेगुलेशन 25 ऑफ सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेको रेगुलेशन 2011 फॉलोइंग आर द ऑब्लिगेशंस ऑफ एक्वायरर। मतलब यहां पे आपको क्या मेंशन करना है, यू हैव टू मेंशन द ऑब्लिगेशंस ऑफ एक्वायरर। अब ऑब्लिगेशन ऑफ एक्वायरर ये बेसिकली अब यहां से एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन हो जाता है दैट आपको स्ट्रेट अवे ऑब्लिगेशन ऑफ एक्वायरर मेंशन करना है। क्या लिखा है, नाउ व्हाट आर द ऑब्लिगेशंस ऑफ एक्वायरर, वी हैव स्टडीड दिस थिंग अंडर आवर डिटेल्ड डिस्कशन एंड दिस इज समथिंग वट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज एक्चुअली अ डायरेक्ट क्वेश्चन अगर ध्यान से देखा जाए, बट थोड़ा सा आपको एक हाइपोथिकल कहानी बना के दिया जिससे कि आप ये समझ पाओ कि एक्वायरर कौन है और टारगेट कंपनी कौन है। तो क्या लिखा है, दैट प्रायर टू मेकिंग पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ एन ओपन ऑफर फॉर एक्वायरिंग शेयर्स अंडर दिस रेगुलेशन, मतलब बिफोर मेकिंग पब्लिक अनाउंसमेंट क्या करना पड़ेगा एक्वायरर को, द एक्वायरर shall ensure that firm financial arrangement have been made for fulfilling the payment obligation under the open offer and that the acquirer is able to implement the open offer subject to the statutory approval for open offer that may be necessary। मतलब यहाँ पे acquirer को before public announcement being made acquirer को क्या ensure करना पड़ेगा कि उसके पास adequate fund है एंड उसने फर्म फाइनेंशियल अरेंजमेंट कर लिया है जिससे कि वो पेमेंट ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर सके। नॉट ओनली दैट they also the acquirer also need to ensure that the acquirer will be able to implement the open offer subject to regulatory approval। now second point, very important point, kya likha hai, in the event the acquirer has not declared an intention in the detailed public statement and letter offer to alienate any material asset of target company or any of its subsidiaries, dekho yahan pe alienate ka matlab hota hai to dispose of, मतलब अगर एक्वायरर ने डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट एंड लेटर ऑफ ऑफर में ऐसा कोई इंटेंशन डिस्क्लोज नहीं किया है, हैज़ नॉट डिक्लेयर्ड हिज इंटेंशन, मतलब अपना इंटेंशन डिक्लेयर नहीं किया है, किस चीज़ का इंटेंशन, कि वो मटेरियल एसेट ऑफ टारगेट कंपनी या मटेरियल एसेट ऑफ सब्सिडरी कंपनी और टारगेट कंपनी को डिस्पोज ऑफ करेगा। अच्छा, डिस्पोज ऑफ कैसे करेगा, whether by way of sale, lease, encumbrance or otherwise outside the ordinary course of business, very important, ये जो disposal हो रहा है ये किस तरीके से हो रहा है, outside the ordinary course of business, मतलब अगर business process में अगर आप dispose of कर रहे हो चलेगा, but अगर आप outside the ordinary course of business में अगर आप disposal करते हो तो यहाँ पर क्या लिखा है कि अगर acquirer ने डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट एंड लेटर ऑफ ऑफर में ऐसा कोई इंटेंशन डिस्क्लोज नहीं किया है कि वो टारगेट कंपनी या टारगेट कंपनी के सब्सिडरी कंपनी के मटेरियल एसेट को डिस्पोज ऑफ करेगा बाय सेल, लीज और अदरवाइज आउटसाइड द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो अगर ऐसा इंटेंशन डिस्क्लोज नहीं किया गया है देन द एक्वायरर वेदर ही हैज एक्वायर्ड कंट्रोल ओवर द टारगेट कंपनी shall be debarred from causing such alienation for the period of 2 years after the offer period। इसका मतलब अगर ऐसा intention disclose नहीं किया गया है तो तब acquirer अगर वो target company का control acquire भी कर लेता है तो भी वो target company या target company के subsidiary company के material asset को dispose of नहीं कर सकता, कितने period के लिए, for the period of 2 years after the expiry of offer period। clear, नेक्स्ट क्या लिखा है, फर्दर क्या लिखा है, दैट हाउएवर इन द इवेंट द टारगेट कंपनी और एनी ऑफ इट्स सब्सिडरी इज रिक्वायर्ड टू सो एलिनेट एसेट डिस्पाइस द इंटेंशन टू एलिनेट नॉट हैव बीन एक्सप्रेस बाय द एक्वायरर। लेकिन यहां पे क्या लिखा है, देखो ये एक तरीके से आपको अदर वे अराउंड समझा रहा है कि अगर टारगेट कंपनी को मटेरियल एसेट को डिस्पोज ऑफ करना है या टारगेट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी को मटेरियल एसेट डिस्पोज ऑफ करना है, इवन इफ एक्वायरर ने इंटेंशन डिस्क्लोज नहीं किया था, लेकिन यहां पे अगर कंपनी को एसेट डिस्पोज ऑफ करना है देन सच एलिनेशन शैल रिक्वायर अ स्पेशल रिजोल्यूशन पास बाय द शेयर होल्डर ऑफ द टारगेट कंपनी। मतलब अगर आपको ऐसा करना है तो यहाँ पे ये जो डिस्पोजल है इसके लिए आपको टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर का स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बाय वे ऑफ पोस्टल बैलेट
एंड द नोटिस ऑफ सच पोस्टल बैलेट शैल इंटरलिया कंटेन द रीजन एज टू वाई सच एलिनेशन इज नेसेसरी. मतलब यहाँ पे आपको स्पेशल ऑप्शन पास करना पड़ेगा थ्रू पोस्टल बैलेट, एंड पोस्टल बैलेट के नोटिस में आपको ये बताना पड़ेगा कि क्यों इस एसेट को डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है, द जस्टिफिकेशन द रीजन ऑफ सच डिस्पोजल. क्लियर? मतलब अगर एक्वायरर ने इंटेंशन डिस्क्लोज नहीं किया तो अगले 2 साल तक, इवन इफ वो कंट्रोल एक्वायर कर भी लेता है तो भी अगले 2 साल तक वो टारगेट कंपनी एंड टारगेट कंपनी के सब्सिडरी कंपनी के मटेरियल एसेट को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता आउटसाइड द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. लेकिन अगर कंपनी खुद करना चाहे तो कर सकता है. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दे हैव टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन थ्रू पोस्टल बैलेट, एंड जो नोटिस ऑफ पोस्टल बैलेट है उसमें जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा कि क्यों ये मटेरियल एसेट को डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है. क्लियर? फर्दर क्या दिया है? इट सेज दैट द एक्वायरर शैल एंश्योर दैट द कंटेंट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट, डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट, लेटर ऑफ ऑफर एंड पोस्ट ऑफर एडवर्टाइजमेंट आर ट्रू, फेयर एंड एडिक्वेट इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट एंड नॉट मिसलीडिंग एनी मटेरियल पर्टिकुलर एंड आर बेस्ड ऑन रिलायबल सोर्स एंड द स्टेट द सोर्स वेर एवर नेसेसरी. मतलब सिंपल उन्हें क्या बताया जा रहा है कि एक्वायरर ये भी इंश्योर करेगा कि कंटेंट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट, डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट, लेटर ऑफ ऑफर, पोस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट ये सब कंप्लीट करेक्ट एंड एक्यूरेट है, कोई भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन ओमिटेड या कंसील्ड नहीं है, कोई भी इन्फॉर्मेशन मिसलीडिंग नहीं है, एंड जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है उसका जो भी सोर्स है वो भी मैंशन किया गया है, जिससे कि आप ये स्टैब्लिश कर सको कि जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है वो कंप्लीट करेक्ट एंड एक्यूरेट है. क्लियर? नेक्स्ट क्या लिखा है? The acquirer and person acting in concern with him shall not sell shares of target company held by them during offer period. इसका मतलब क्या हुआ? देखो, acquirer as the name says, acquirer क्या करना चाहता है? क्या वो acquire करना चाहता है या dispose of करना चाहता है? Now you will say कि sir, as the name says, they want to acquire. So that is what they are saying. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि acquirer and person acting in concern during offer period target company के shares को sell नहीं करेंगे. Clear? And fifth point क्या लिखा है? The acquirer and person acting in concern with him shall be jointly and severally responsible for the fulfillment of applicable obligation under this regulation. मतलब यहाँ पे acquirer and PSC की acquirer and PSC will be jointly and severally, मतलब वो लोग jointly भी responsible होंगे and individually भी responsible होंगे. किस चीज़ के लिए? They will be responsible कि वो takeover regulation के जो भी obligations हैं उनको comply करें. Clear? सो यहाँ पे इन दिस क्वेश्चन व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू इज बेसिकली यू हैव टू मेंशन द ऑब्लिगेशंस ऑफ एक्वायरर अंडर रेगुलेशन 25. क्लियर? एंड दिस इज हाउ द एंटायर बोर्ड नोट नीड टू बी प्रेजेंटेड. क्लियर? अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? दैट फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द एंटरप्राइज वैल्यू. मतलब यहाँ पे अपने को क्या निकालना है? We have to calculate the enterprise value. Now ये question 2019 में आया है for 4 marks. अब देखो ध्यान से question देखते हैं कैसे किया जाता है. इसमें balance sheet दिया है E Limited का as on 31st March 2018, and यहाँ पे share capital दिया है. देखो very important part है कि face value कितना दिया है? 2 rupees each. तो इस फेस वैल्यू की वजह से हमें शेयर कैपिटल अमाउंट में दिया है इन लैक्स, तो इसका फेस वैल्यू की वजह से वी कैन ऑलवेज कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स. करेक्ट? अब क्या लिखा है? रिजर्व एंड सरप्लस, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, नॉन करेंट एसेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड अदर करेंट एसेट. क्लियर? नाउ दिस इज व्हाट द बैलेंस शीट बीइंग गिवन, एंड दे हैव ऑल्सो गिवन दैट करेंट मार्केट प्राइस पर शेयर इस 96 रुपीज़. मतलब 96 रुपीज़ पर शेयर का मार्केट प्राइस दिया है, एंड व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इज द एंटरप्राइज वैल्यू. अब देखो, अब यहाँ पे एंटरप्राइज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? सो टू अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट द एंटरप्राइज वैल्यू वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एंटरप्राइज वैल्यू अंडर विच हैज बीन गिवन अंडर द टेकओवर रेगुलेशन. तो यहाँ पे क्या लिखा है? एंटरप्राइज वैल्यू का मतलब क्या है? सो एंटरप्राइज वैल्यू मीन्स
the value calculated as market capitalization of the company plus debt, minority interest and preferred shares minus, तो plus क्या क्या किया है, debt plus किया गया, minority interest plus किया गया, preferred shares plus किया गया एंड इसमें से माइनस क्या किया गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. मतलब वी कैन ऑलवेज प्रेजेंट द फॉर्मूला ऑफ एंटरप्राइज वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन प्लस डेट प्लस माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड प्रेफर्ड शेयर्स माइनस टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. अब देखो इसको एंटरप्राइज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कैलकुलेट मार्केट कैपिटलाइजेशन. तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे कैलकुलेट होता है, सो इट इज नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस. अब नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, शेयर कैपिटल दिया है एंड दे हैव आल्सो गिवन फेस वैल्यू ऑफ रुपीज टू ईच. तो विद द हेल्प ऑफ शेयर कैपिटल एंड फेस वैल्यू वी कैन ऑलवेज कैलकुलेट द मार्केट कैपिटलाइजेशन. वी कैन ऑलवेज कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स एंड नंबर ऑफ शेयर्स को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे मार्केट प्राइस से देन वील ऑलवेज कैलकुलेट द मार्केट कैपिटलाइजेशन. सो वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स फर्स्ट. तो यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेगा, सो नंबर ऑफ शेयर इज अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू. अब अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल कितना लिखा है, 952 लाख. डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू कितना है, रुपीज टू. तो यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए, इट इज इक्वल टू 476 लाख. क्लियर. सो देयरफॉर मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ शेयर्स, तो 476 लाख इनटू मार्केट प्राइस कितना है, 96 रुपीज. तो यहां पे 476 लाख को 96 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल कैलकुलेट विल गेट मार्केट कैपिटलाइजेशन. नाउ दिस विल कम टू, सो इफ यू मल्टीप्लाई 476 लाख इनटू 96 नो इट विल बी इक्वल टू 45,696 lakhs. क्लियर. तो यहां पे देयरफॉर एंटरप्राइज वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन. तो 45,696 lakhs प्लस डेट प्लस माइनॉरिटी इंटरेस्ट. अब देखो क्वेश्चन में माइनॉरिटी इंटरेस्ट दिया है, बोरोइंग भी दिया विच इज अगेन द डेट. क्या रिजर्व एंड सरप्लस लेना है, नो सी द फॉर्मूला. क्या वहां पे रिजर्व एंड सरप्लस की बात हो रही है, आंसर इज नो. तो यहां पे आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा, डेट ऐड करना पड़ेगा. तो 115 लाख प्लस 2860 माइनस. अब यहाँ पे माइनस क्या करना है, यहाँ पे अपने को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को माइनस करना है. मतलब व्हाट वी हैव टू डिडक्ट इज 102 लाख. सो एंटरप्राइज वैल्यू बी इक्वल टू 45,696 लाख प्लस 115 लाख प्लस 2860 लाख माइनस 102 लाख. नाउ विच इज इक्वल टू 48,569 lakhs. Clear? And this will be the value of enterprise value. तो यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बस अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए एंटरप्राइज वैल्यू का क्या है एंड वी शुड नो व्हाट टू बी कंसिडर्ड एंड व्हाट नॉट टू बी कंसिडर्ड. सेकेंडली व्हाट वी नीड टू नो दैट हाउ टू कैलकुलेट द मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस.
एंड नंबर ऑफ शेयर्स किससे मालूम पड़ेगा, अपने पास शेयर कैपिटल का अमाउंट दिया हुआ है, फेस वैल्यू दिया है, वी कैन ऑलवेज कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स. क्लियर? सो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन नीड टू बी सॉल्व. क्लियर? तो आई होप आपको इसको समझा होगा. अब देखो, अब आगे चलते हैं. नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ये 2019 में क्वेश्चन आया था फॉर 5 मार्क्स. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दिस क्वेश्चन टॉक्स अबाउट. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दिस क्वेश्चन टॉक्स अबाउट. अब देखो क्या लिखा है. इट सेज दैट एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, मतलब एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जो कि एक्वायरर है, डूइंग बिजनेस ऑफ एक्सपोर्टिंग स्टील एंड इट इज अ पार्ट ऑफ प्रमोटर ग्रुप ऑफ मौर्या होटल्स इंडिया लिमिटेड. मतलब ये एक प्रमोटर ग्रुप का पार्ट है ऑफ मौर्या होटल्स इंडिया लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज. मतलब यहाँ पे मौर्या होटल्स इंडिया लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है एंड ये जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो एक्वायरर है वो उसके प्रमोटर ग्रुप का पार्ट है. इन व्यू ऑफ इम्प्रूविंग इट्स एफिशिएंसी, यहाँ पे एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए मौर्या होटल्स इंडिया लिमिटेड इज प्लानिंग टू रीस्ट्रक्चर इट्स ग्रुप. द एक्वायरर हैज एग्रीड टू एंटर इनटू अ स्कीम ऑफ अरेंजमेंट. देखो ध्यान समझो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्वायरर एक स्कीम ऑफ अरेंजमेंट में एंटर कर रहा है वेयर द शेयर्स हेल्ड बाय द प्रमोटर ग्रुप कंपनी, मतलब जो भी प्रमोटर ग्रुप कंपनीज हैं विच इज बेसिकली 8 कंपनीज विल बी ट्रांसफर टू इट. मतलब जो भी प्रमोटर ग्रुप कंपनीज हैं वो सब अपने शेयर्स किसको ट्रांसफर कर देंगे, एक्वायरर को. क्लियर? पोस्ट मर्जर द शेयर होल्डिंग ऑफ एक्वायरर इन द कंपनी, अच्छा यहाँ पे कंपनी को इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, लिस्टेड कंपनी की विच इज मौर्या होटल्स इंडिया लिमिटेड, विल इंक्रीज फ्रॉम 2% टू 24%. मतलब एक्वायर की होल्डिंग कितनी हो जाएगी, 2% से बढ़ के 24% हो जाएगा. हाउएवर द ओवरऑल प्रमोटर शेयर होल्डिंग विल रिमेन्स अनचेंज. नाउ दैट इज वेरी ऑब्वियस बिकॉज जो एक्वायरर है वो भी पहले प्रमोटर ग्रुप का ही पार्ट था. अब प्रमोटर की जो बाकी कंपनीज है, जो 8 कंपनीज है, वो अपने सारे शेयर्स ट्रांसफर कर देंगे एक्वायरर को. एक्वायर की होल्डिंग बढ़ गई 2% से 24%, लेकिन ओवरऑल प्रमोटर होल्डिंग रिमेन्स अनचेंज. क्लियर? नाउ यू बींग अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंटेड एज कंसल्टेंट बाय द एक्वायरर आंसर द फॉलोइंग. मतलब आपको यहाँ पे क्या आंसर देना है. फर्स्ट क्वेश्चन, विल द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ट्रिगर एन ऑब्लिगेशन टू मेक ओपन ऑफर अंडर सेबी SAST रेगुलेशन ऑन द एक्वायरर. क्या ये जो ट्रांसफर ऑफ शेयर हो रहा है इसकी वजह से ओपन ऑफर देना पड़ेगा एक्वायरर को, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड, वट आर द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट अंडर सेबी SAST रेगुलेशन इफ एनी दैट द पार्टी ऑफ स्कीम विल हैव टू कंप्लाई. मतलब यहाँ पे क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होगा उन लोग के ऊपर. अब देखो, अब सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को समझते हैं. क्वेश्चन है क्या, नाउ फैक्ट ऑफ द केस इज समथिंग द सेम व्हाट वी हैव जस्ट स्टडीड इन द क्वेश्चन. अब उसी को पॉइंट वाइज प्रेजेंट कर दिया कि एक्वायरर जो है वो एक अनलिस्टेड कंपनी है. नाउ एक्वायरर जो है वो पार्ट ऑफ प्रमोटर ग्रुप है. प्रमोटर ग्रुप किसका, ऑफ मौर्या होटल्स इंडिया लिमिटेड, अ कंपनी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज. थर्ड क्या लिखा है, इन व्यू ऑफ इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी, जो मौर्या होटल्स इंडिया लिमिटेड है वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग अपने ग्रुप को रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं. द एक्वायरर हैज एग्री टू एंटर इनटू अ स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, मतलब एक्वायरर एक स्कीम ऑफ अरेंजमेंट में एंटर कर रहा है जिसकी वजह से वेयर द शेयर्स हेल्ड बाय द प्रमोटर ग्रुप कंपनीज 8 कंपनीज विल बी ट्रांसफर टू इट. मतलब जो भी प्रमोटर ग्रुप कंपनीज हैं उनके शेयर्स एक्वायरर को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे. पोस्ट मर्जर, मर्जर के बाद द शेयर होल्डिंग ऑफ द एक्वायरर इन द कंपनी विल इंक्रीज फ्रॉम 2% टू 24%. मतलब मर्जर के बाद जो एक्वायर की होल्डिंग है वो बढ़ के 2% से 24% हो जाएगा. हाउएवर द ओवरऑल प्रमोटर शेयर होल्डिंग विल रिमेन्स अनचेंज, लेकिन जो ओवरऑल प्रमोटर शेयर होल्डिंग है वो चेंज नहीं होगा. अब देखो, सो दिस इज द फैक्ट ऑफ द केस. अब इसमें ये समझते हैं कि ओपन ऑफर की रिक्वायरमेंट आती कैसे है. देखो, रेगुलेशन 3 एंड 4, नाउ दिस इज अ बेसिक रेगुलेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेशन विच स्पेसिफाई कि आपके ऊपर ओपन ऑफर की रिक्वायरमेंट कब आती है. नाउ बिकॉज ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, दिस एंटायर थिंग इज बेसिकली ट्रांसफरिंग द शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी. क्लियर? तो यहाँ पे रेगुलेशन 3 एंड 4 ऑफ सेबी टेक ओवर रेगुलेशन
set out the event that trigger an obligation on acquirer along with person acting concern to make an open offer. मतलब regulation 3 and 4 वो event specify करते हैं जिसकी वजह से open offer देने की requirement arise होती है. क्या लिखा है? The set triggers event are as follows. अब देखो very important, regulation 3 क्या बोलता है. Now as per regulation 3, now if you see the regulation 3 क्या बोला है, it says that no acquirer shall acquire shares or voting right in target company which taken together with shares or voting right if any held by him and by person acting concerned with him in such target company entitles him to exercise 25% or more of the voting right in such target company unless kya karna padega, the acquirer makes a public announcement of open offer for acquiring the shares of such target company. मतलब simple words में अगर इसको समझाया जाए, now regulation 3, regulation 4 is the most important regulation जो ये बताते हैं कि आपको open offer देने की requirement कब arise होती है. तो regulation 3 क्या बोलता है, now regulation 3.1 को अगर simple तरीके से present किया जाए तो regulation 3.1 क्या बोल रहा है, it basically says that acquirer plus PAC. Now PAC मतलब person acting in concern and acquirer along with PAC if they make acquisition of, so what they are doing, now if they make acquisition of more than or equal to 25% voting right in target company, then public announcement is mandatory. मतलब उनको क्या करना पड़ेगा, public announcement देना पड़ेगा. अगर target company में 25% और more अगर उन्होंने voting right acquire किया है in target company, then public announcement is mandatory. मतलब 3.1 बोलता है कि आपको कब ओपन ऑफर की रिक्वायरमेंट अराइज होगी. क्लियर? अब देखो अब यहां पे क्या लिखा है, एज पर रेगुलेशन 3.2, नाउ दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. रेगुलेशन 3.2 क्या बोलता है, मतलब 3.1 क्या बोल रहा है, 3.1 ये बोलता है कि अगर एक्वायरर अलोंग विद पीएससी टारगेट कंपनी में 25% और मोर वोटिंग राइट एक्वायर करता है. देखो यहां पे वीआर का मतलब है वोटिंग राइट, पीए का मतलब है पब्लिक अनाउंसमेंट. क्लियर? तो अगर एक्विजिशन करता है एक्वायर प्लस पीएसी, पीएसी मतलब पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न, अगर एक्वायरर प्लस पीएसी एक्विजिशन करते हैं ऑफ 25% और मोर वोटिंग राइट इन टारगेट कंपनी, तो उनको पब्लिक अनाउंसमेंट देना पड़ता है. क्लियर? दिस इज व्हाट रेगुलेशन 3.1 टॉक्स अबाउट. अब रेगुलेशन 3.2 क्या बोलता है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग ऑल्सो. क्या लिखा है, इट सेज दैट एज पर रेगुलेशन 3.2 नो एक्वायरर who together with person acting concerned with him has acquired and hold in accordance with these regulations shares or voting right in target company. मतलब एक acquirer along with PSC वो पहले से ही hold कर रहा है shares or voting right target company. कितना hold कर रहा है, entitling them to exercise 25% or more of the voting right in target company. मतलब what they are holding is 25% or more voting right hold कर रहे हैं in target company में, but less than maximum permissible non-public shareholding. मतलब 25% और more voting right है लेकिन किससे कम है, less than maximum permissible non-public shareholding, shall acquire with any financial year additional shares or voting right in such target company entitling them to exercise more than 5% of voting right unless the acquirer makes a public announcement of open offer for acquiring shares of such target company. मतलब यहाँ पे regulation 3.2 की बात हो रही है, तो अगर 3.2 को simple तरीके से present किया जाए, so what regulation 3.2 talks about, it says that acquirer plus PAC, मतलब acquirer along with person acting in concern, what they are doing,
ऑलरेडी होल्डिंग, कितना होल्ड कर रहे हैं, मोर देन और इक्वल टू 25% वोटिंग राइट इन टारगेट कंपनी, मतलब वो पहले से कितना होल्ड कर रहे हैं, 25% और मोर वोटिंग आईडी टारगेट कंपनी, प्लस एडिशनल एक्विजिशन, कितना एडिशनल एक्विजिशन हो रहा है ऑफ मोर देन 5% वोटिंग राइट इन टारगेट कंपनी इन वन फाइनेंशियल ईयर, मतलब अगर आप पहले से ही 25% और मोर वोटिंग राइट होल्ड करते हो एंड एक्वायरिंग पीएससी और एक्वायर कर रहा है, कितना एक्वायर कर रहा है, मोर देन 5% वोटिंग राइट इन टारगेट कंपनी इन वन फाइनेंशियल ईयर, देन पब्लिक अनाउंसमेंट इज मैंडेटरी। मतलब यहाँ पे एक्वायर को क्या करना पड़ेगा, दे हैव टू मेक पब्लिक अनाउंसमेंट अंडर रेगुलेशन 3(2). इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ दैट अगर एक्वायरर प्लस पीएसी नो इफ एक्वायर प्लस पीएसी ऑलरेडी होल्डिंग मोर देन इक्वल टू 25% वोटिंग राइट इन टारगेट कंपनी प्लस एडिशनल एक्विजिशन हो नो एडिशनल एक्विजिशन इज लेस देन इक्वल टू 5% वोटिंग राइट इन टारगेट कंपनी इन वन फाइनेंशियल ईयर, मतलब देखो पब्लिक अनाउंसमेंट कब देना पड़ता है, जब आपका एक्विजिशन इन वन फाइनेंशियल ईयर एक्सीड 5%, लेकिन अगर मैंने अप टू 5% एक्वायर किया तो क्या पब्लिक अनाउंसमेंट देना पड़ेगा, आंसर इज नो। तो यहां पे पब्लिक अनाउंसमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड एंड सच एक्विजिशन इज कॉल्ड इस एक्विजिशन क्या बोला जाता है, क्रीपिंग एक्विजिशन। तो व्हाट इज क्रीपिंग एक्विजिशन, क्रीपिंग एक्विजिशन मतलब होता है कि अगर आपके पास पहले से ही 25% और मोर वोटिंग राइट है लेकिन एक्वायरर एक फाइनेंशियल ईयर में कितना एक्वायर कर रहा है, मैक्सिमम 5% एक्विजिशन इन वन फाइनेंशियल ईयर, तो पब्लिक अनाउंसमेंट देने की जरूरत नहीं है एंड इस एक्विजिशन को बोला जाता है क्रीपिंग एक्विजिशन। क्लियर, सो दिस इज द अनदर रिक्वायरमेंट विच स्पेसिफाई अंडर रेगुलेशन 3(2) विच स्पेसिफाई की पब्लिक अनाउंसमेंट कब देना है। अब थर्ड हम लोग समझते हैं, तो यहां पे रेगुलेशन 4 की बात हो रही है, तो 4 क्या बोलता है, इट सेज दैट एज पर रेगुलेशन 4, अब रेगुलेशन 4 क्या बोल रहा है, इट सेज दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्विजिशन और होल्डिंग ऑफ शेयर्स ऑफ वोटिंग राइट इन टारगेट कंपनी नो एक्वायरर शैल एक्वायर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल ओवर सच टारगेट कंपनी अनलेस, मतलब यहां पे एक्वायर को क्या करना पड़ेगा, एक्वायरर अगर वोटिंग राइट एक्वायर किया नहीं किया इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, लेकिन अगर उसने कंट्रोल एक्वायर किया है तो व्हाट दे आर सेइंग दैट एक्वायरर कंट्रोल एक्वायर नहीं करेगा अनलेस अनलेस द एक्वायरर मेक्स अ पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ ओपन ऑफर फॉर एक्वायरिंग शेयर्स ऑफ सच टारगेट कंपनी इन अकॉर्डेंस विद दिस रेगुलेशन, मतलब यहाँ पे एक्वायर को क्या करना पड़ेगा, दे हैव टू मेक पब्लिक अनाउंसमेंट फॉर एक्वायरिंग शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी, अगर उसने कंट्रोल भी एक्वायर किया तो भी पब्लिक अनाउंसमेंट देना पड़ेगा। सो अगर रेगुलेशन 4 को इफ यू हैव टू प्रेजेंट, इसका मतलब कैसे लिख सकते हैं, दैट एक्वायरर प्लस पीएससी नाउ व्हाट दे आर मेकिंग और व्हाट दे आर डूइंग, मेक एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल, मतलब यहां पे हम लोग क्या एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोल इररिस्पेक्टिव
whether voting right being acquired or not, still public announcement is mandate. Clear? मतलब अगर acquirer plus PSC ने target company में control भी acquire किया, चाहे public announcement acquire किया या नहीं किया, आपने voting right acquire किया या नहीं किया, public announcement is mandatory. मतलब सिंपल वर्ड में रेगुलेशन 3.1 क्या बोलता है कि अगर आप टारगेट कंपनी में 25% और मोर वोटिंग राइट एक्वायर करते हो फॉर द फर्स्ट टाइम तो पब्लिक अनाउंसमेंट देना पड़ेगा. 3.2 क्या बोलता है, अगर आपके पास पहले से ही 25% और मोर वोटिंग राइट है टारगेट कंपनी में और आप एडिशनल एक्विजिशन करते हो कितना मोर देन 5% वोटिंग राइट इन टारगेट कंपनी इन वन फाइनेंशियल ईयर तो पब्लिक अनाउंसमेंट देना पड़ेगा. एंड रेगुलेशन 4 क्या बोलता है कि आपने वोटिंग राइट एक्वायर किया या नहीं किया इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, अगर एक्वायर प्लस पीएससी ने मिलके टारगेट कंपनी का कंट्रोल एक्वायर किया तो भी पब्लिक अनाउंसमेंट देना पड़ेगा. क्लियर? तो अब देखो, नाउ दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट जब आपको पब्लिक अनाउंसमेंट देना पड़ता है. नाउ इन द गिवन केस एक्वायर की होल्डिंग कितनी हो रही है, 2% से बढ़ के 24% हो रही है, तो क्या ये रेगुलेशन 3.1 या 3.2 का ट्रेड कर रहा है? आंसर इज नो. तो यहाँ पे अच्छा, क्या कंट्रोल शिफ्ट हुआ ऐसा कुछ बोला गया है? नहीं. तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, दैट सिंस द एक्वायरर इन द अबो केस डज नॉट अट्रैक्ट एनी ऑफ द ट्रिगर सेट अबो, द ट्रांसफर ऑफ शेयर विल नॉट इम्पोज एनी ऑब्लिगेशन ऑन एक्वायरर टू मेक ओपन ऑफर अंडर टेक ओवर रेगुलेशन. मतलब यहाँ पे 25% को टच नहीं किया जा रहा है तो 3.1, 3.2 अट्रैक्ट नहीं होगा, कंट्रोल शिफ्ट नहीं हो रहा है तो रेगुलेशन 4 भी अट्रैक्ट नहीं होगा. इसका मतलब पब्लिक अनाउंसमेंट देने की जरूरत नहीं है एक्वायरर के ऊपर. सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है, तो यहाँ पे अगर इसकी होल्डिंग कितनी हो गई है, हिज एक्वायर की होल्डिंग हो गई है 2% से बढ़ के 24% हुआ है एंड जो बाकी प्रमोटर ग्रुप कंपनीज हैं उन्होंने भी अपने शेयर्स ट्रांसफ़र किए हैं, तो यहाँ पे जो भी एक्वायरर है एंड जो भी सेलर है, एक्वायर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्विजिशन हो रहा है, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्पोजल हो रहा है, तो दोनों को ही यहाँ पे डिस्क्लोजर देना पड़ेगा. अब यहाँ पे इंडिविजुअल नहीं बताया गया, सो व्हाट वी अंडरस्टैंड दैट यहाँ पे देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ शेयर, तो यहाँ पे रेगुलेशन 29.1 एंड 29.2 के हिसाब से डिस्क्लोजर दिया जाएगा. डिस्क्लोजर कितने दिन के अंदर दिया जाएगा, ये दिया हुआ है रेगुलेशन 29.3 में. तो क्या लिखा है, द एक्वायरर एंड प्रमोटर ग्रुप कंपनीज विल बी रिक्वायर्ड. देखो यहाँ पे एक्वायरर जो है वो एक्वायर कर रहा है, प्रमोटर ग्रुप कंपनी जो है वो डिस्पोज कर रहे हैं. Will be required to make a disclosure of change in shareholding under Regulation 29.1 and 29.2 of the SEBI Takeover Regulation 2011. According to Regulation 29.3 of the said regulation, the said disclosure shall be made. कितने दिन के अंदर? Within 2 working days of such acquisition or disposal to the target company at its registered office and to the stock exchange where the shares of target company are listed. मतलब यहाँ पे disclosure दिया जाएगा under regulation 29.1 and 29.2 and ये disclosure कितने दिन के अंदर दिया जाएगा. Now the said disclosure need to be made within 2 working days of such acquisition or disposal. Clear? Done. चलो next question देखते हैं. नाउ ये क्वेश्चन जो है ये 2019 में आया है फॉर दिसंबर में फॉर 5 मार्क्स. क्या क्वेश्चन पूछा गया है, इट सेज दैट नलिन एंड एस्टेट लिमिटेड इज अ टारगेट कंपनी, इज अ लिस्टेड कंपनी, द प्रमोटर ग्रुप शेयर होल्डिंग इन द टारगेट कंपनी इज 47%. मतलब प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, 47%. इट प्रपोज टू ट्रांसफर ऑफ 2% शेयर्स हेल्ड बाय वन प्रमोटर ग्रुप टू अनदर प्रमोटर ग्रुप. मतलब यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हो रहा है बिटवीन प्रमोटर्स. क्या लिखा है, द टारगेट कंपनी सॉट योर एडवाइस एज अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी ऑन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ एग्जम्पशन प्रोवाइडेड अंडर सेबी एसईएसटी रेगुलेशन फॉर मेकिंग कंपल्सरी ओपन ऑफर. मतलब यहाँ पे कंपनी जो है, टारगेट कंपनी जो आपसे वो एडवाइस मांग रहा है कि भाई अगर प्रमोटर्स में आपस में कुछ ट्रांसफर होता है तो क्या ओपन ऑफर देना पड़ेगा, क्या उसमें कुछ एग्जम्पशन मिल सकता है. सो दैट इज वेयर इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, दे आर टॉकिंग अबाउट एग्जम्पशन रिक्वायरमेंट. अब देखो,
तो सबसे पहले फैक्ट ऑफ द केस लिखेंगे, तो इसमें फैक्ट ऑफ द केस में जो क्वेश्चन में दिया उसी को पॉइंट वाइज प्रेजेंट कर दिया गया है। तो इट सेज दैट नलिन एस्टेट लिमिटेड टारगेट कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी। सेकेंड, द प्रमोटर ग्रुप शेयर होल्डिंग इन द टारगेट कंपनी इज 47%। थर्ड, इट प्रपोज टू ट्रांसफर 2% शेयर्स हेल्ड बाय वन प्रमोटर ग्रुप टू अनदर प्रमोटर ग्रुप। क्लियर? अब देखो, अब यहाँ पे एप्लीकेबल सेक्शन एंड रूल्स। क्लियर? अब यहाँ पे एप्लीकेबल सेक्शन एंड रूल्स में नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग कि अगर प्रमोटर टू प्रमोटर ट्रांसफर होता है तो यहाँ पे इंटर से ट्रांसफर, रिमेंबर रेगुलेशन 10(1)(a) विच टॉक्स अबाउट इंटर से ट्रांसफर, में अगर प्रमोटर टू प्रमोटर ट्रांसफर होता है तो पब्लिक अनाउंसमेंट देने की जरूरत नहीं है। कंडीशन क्या है कि दोनों ही जो बायर एंड सेलर, जो ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी प्रमोटर है, दे नीड टू बी प्रमोटर इन द टारगेट कंपनी फॉर मिनिमम 3 years बिफोर द प्रपोज एक्विजिशन। तो क्या लिखा है, एज पर रेगुलेशन 10(1)(a)(2), और देखो 10(1)(a) जो है इट टॉक्स अबाउट इंटर से ट्रांसफर, उसके अंदर कई कंडीशंस हैं। सो 10(1)(a)(2) में क्या बोला है, इट सेज दैट ऑफ सेबी एसएसटी रेगुलेशन 2011 द फॉलोइंग एक्विजिशन शैल बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम ऑब्लिगेशन टू मेक ओपन ऑफर under regulation 3 and 4 subject to fulfillment of conditions stipulated therefore। मतलब वहाँ पे 3 and 4 से आपको public announcement देने की जरूरत नहीं है, subject to condition। कौन से condition दिया है? Now यहाँ पे जो applicable, इस case में जो applicable condition है वो कौन सा है, that acquisition pursuant to interstate transfer, very important word, interstate transfer of shares हो रहा है, transfer हो रहा है between promoters, clear, of target company of shares amongst qualifying person being person named as promoter in the shareholding pattern filed by the target company in terms of listing regulation or as the case may be the listing agreement or these regulation for not less than 3 years prior to the proposed acquisition। मतलब यहाँ पे transfer किसके बीच में हो रहा है, being person named as promoter, मतलब transfer हो रहा है between promoters के बीच में जो कि promoters थे फॉर नॉट लेस देन 3 years प्रायर टू द प्रपोज्ड एक्विजिशन। तो यहाँ पे इन व्यू ऑफ द अबोव, तो क्या यहाँ पे ओपन ऑफर देने की रिक्वायरमेंट आएगी, आंसर इज नो। तो क्या लिखा है, अगर जो कंडीशन, देखो यहाँ पे ये दिया है क्या कि दे आर प्रमोटर फॉर लास्ट 3 years, ऐसा कुछ दिया है नहीं। अच्छा नहीं थे ये भी दिया है क्या, नहीं। सो क्वेश्चन इज साइलेंट ऑन दिस एस्पेक्ट। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में कैसे आंसर देना पड़ेगा, यू हैव टू से कि अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो रहा है तो ओपन ऑफर देने की जरूरत नहीं है। तो क्या लिखा है, इन व्यू ऑफ द अबो इफ द कंडीशन स्पेसिफाइड अंडर रेगुलेशन 10(1)(a)(2) ऑफ सेबी टेक ओवर रेगुलेशन बींग कंप्लाइड देन सच एक्विजिशन शैल बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम ऑब्लिगेशन टू मेक ओपन ऑफर। यहाँ पे अगर जो कंडीशन दिया है अगर वो फुलफिल, अगर वो कंडीशंस कंप्लाई हो रहा है तो फिर ओपन ऑफर देने की जरूरत नहीं है। क्लियर? डन। अच्छा इसमें एक चीज और है कि यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कितने परसेंट का हो रहा है, 2% शेयर्स का हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तब तो कितने भी परसेंट का हो कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कितने परसेंट का हो रहा है, प्रायर होल्डिंग क्या था, पोस्ट होल्डिंग क्या था, हैव दे गिवन ऑल दोज डिटेल, नो। सो इन दिस केस यू नीड नॉट टू स्ट्रेच योर आंसर बियॉन्ड दिस पॉइंट, यू जस्ट नीड टू से दैट अगर ये कंडीशन फुलफिल हुआ तो पब्लिक अनाउंसमेंट देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे आर ऑल्सो आस्किंग, द इंस्टीट्यूट इज ऑल्सो आस्किंग क्वेश्चन विद रेस्पेक्ट टू एग्जम्पशन साइट। समझा बच्चों? चलो सो नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है। नाउ ये क्वेश्चन 2020 दिसंबर का क्वेश्चन है, मतलब लास्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो क्या दिया हुआ है, इट सेज दैट रोमियो इंटरनेशनल लिमिटेड, नाउ जो रोमियो इंटरनेशनल लिमिटेड है एन इंडियन पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज लिस्टेड ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मतलब BSE पे लिस्टेड है। अब ऑन फ्राइडे दैट इज 14th December 2018 वन ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी गणेश, मतलब कंपनी का जो एक शेयर होल्डर है गणेश, नाउ हु वॉज ऑलरेडी होल्डिंग 30% स्टेक इन द कंपनी, मेड अ पब्लिक अनाउंसमेंट फॉर एन ओपन ऑफर फॉर द एक्विजिशन ऑफ 13 crore इक्विटी शेयर्स फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच कॉन्स्टिट्यूटिंग 26% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द रोमियो इंटरनेशनल लिमिटेड। मतलब
यहाँ पे जिसके पास पहले से ही 30% स्टेक है, हु हैज ऑलरेडी होल्डिंग 30% स्टेक, गणेश जो है जिसके पास ऑलरेडी होल्डिंग 30% स्टेक है इन द कंपनी, उसने पब्लिक अनाउंसमेंट दिया है, मेड अ पब्लिक अनाउंसमेंट जिससे कि वो और कितने शेयर एक्वायर कर सके, 13 करोड़ फॉर एक्विजिशन, 13 करोड़ कॉन्स्टिट्यूटिंग 26% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। द ऑफर प्राइस पर शेयर अकॉर्डिंग टू द टेक ओवर रेगुलेशन इज अराइव्ड एट 500 पर शेयर। मतलब यहाँ पे ऑफर प्राइस कितना आया है, 500 रुपये पर शेयर का ऑफर प्राइस आया है। क्या लिखा है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द सेबी SAST रेगुलेशन 2011। फर्स्ट, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर डिपॉजिटिंग अमाउंट इन एस्क्रो अकाउंट। अब देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू द एस्क्रो अकाउंट कि एस्क्रो में पैसा कब डिपॉजिट करना है, दैट इज वन थिंग। सेकेंड क्या लिखा है, एंड एक्सप्लेन विद द रेलिवेंट प्रोविजन व्हाट अमाउंट शुड बी डिपॉजिटेड इन एस्क्रो अकाउंट इन टर्म्स ऑफ द केस। मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है, दो चीज़ें पूछी जा रही है क्वेश्चन में, पहला एस्क्रो में पैसा कब डिपॉजिट करना है, दूसरा कितना डिपॉजिट करना है। सेकेंड पूछा जा रहा है, एक्सप्लेन द फॉर्म्स ऑफ मेंटेनिंग द एस्क्रो अकाउंट, मतलब आप एस्क्रो में किस तरीके से आप एस्क्रो में फंड डिपॉजिट कर सकते हो, हाउ द एस्क्रो कैन बी मेंटेन, दिस इज सेकेंड क्वेश्चन। क्लियर। अब देखो, अब यहाँ पे फैक्ट ऑफ द केस, तो फैक्ट ऑफ द केस तो सेम ही है, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रेजेंट द क्वेश्चन इन अ प्रिसाइज मैनर पॉइंट वाइज। तो क्या लिखा है, इट सेज दैट रोमियो इंटरनेशनल लिमिटेड अ पब्लिक इंडियन पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज लिस्टेड ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑन फ्राइडे 14 दिसंबर। वन ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी गणेश, हु वॉज ऑलरेडी होल्डिंग 30% स्टेक इन द कंपनी, मेड अ पब्लिक अनाउंसमेंट फॉर एन ओपन ऑफर फॉर द एक्विजिशन ऑफ 13 करोड़ इक्विटी शेयर्स फेस वैल्यू ऑफ 10 ईच कॉन्स्टिट्यूटिंग 26% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द रोमियो इंटरनेशनल लिमिटेड। एंड थर्ड, द ऑफर प्राइस पर शेयर अकॉर्डिंग टू टेक ओवर रेगुलेशन इज अराइव एट ₹500 पर शेयर। क्लियर। तो कितने शेयर एक्वायर करना चाहता है, 13 करोड़ शेयर एक्वायर करना चाहता है, 13 करोड़ शेयर, एंड किस प्राइस पे, ₹500 पर शेयर पे। अब देखो, अब अगर हम लोग टेक ओवर रेगुलेशन देखते हैं तो वहां पे देते हैं रेगुलेशन कॉल रेगुलेशन 17 विच टॉक्स अबाउट एस्क्रो अकाउंट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, दैट एज पर रेगुलेशन 17 ऑफ सेबी SAST रेगुलेशन 2011, नॉट लेटर देन 2 वर्किंग डेज प्रायर टू द डेट ऑफ डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट, मतलब डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट देने के नॉट लेटर देन 2 वर्किंग डेज बिफोर, क्लियर, ऑफ द ओपन ऑफर फॉर एक्वायरिंग शेयर, द एक्वायर शेल क्रिएट एन एस्क्रो अकाउंट टूवर्ड्स सिक्योरिटी फॉर परफॉर्मेंस ऑफ इज ऑब्लिगेशन अंडर दिस रेगुलेशन एंड डिपॉजिट एस्क्रो अकाउंट सच अमाउंट, सच एग्रीगेट अमाउंट एज पर द फॉलोइंग स्केल। मतलब यहाँ पे एक्वायर को एस्क्रो अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और उसमें कितना पैसा डिपॉजिट करना है, उसमें कितना पैसा डिपॉजिट करना है, ये प्योरली डिपेंड होता है कंसिडरेशन पेबल अंडर ओपन ऑफर। अब उसमें क्या रिक्वायरमेंट दिया है, इट सेज दैट ऑन द फर्स्ट 500 करोड़ रुपीज एन अमाउंट इक्वल टू 25% ऑफ कंसिडरेशन एंड बैलेंस कंसिडरेशन पे एन एडिशनल अमाउंट इक्वल टू 10% ऑफ द बैलेंस कंसिडरेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दिस गिवन केस यहाँ पे, अब देखो नाउ अंडरस्टैंड, यहाँ पे क्या दिया है कि 14 दिसंबर को यहाँ पे इसने पब्लिक अनाउंसमेंट किया है। नाउ स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी प्रॉपरली, अगर आप टेक ओवर रेगुलेशन पढ़ते हैं तो टेक ओवर रेगुलेशन सबसे पहले पब्लिक अनाउंसमेंट दिया जाता है, उसके 5 वर्किंग डेज के अंदर डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट दिया जाता है, 5 वर्किंग डेज के अंदर फ्रॉम पब्लिक अनाउंसमेंट द एक्वायर हैव टू मेक डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट। एंड एस्क्रो के लिए क्या बोला जा रहा है, इट सेज दैट नॉट लेटर देन 2 वर्किंग डेज प्रायर टू द डेट ऑफ डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट, मतलब डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट के 2 वर्किंग डेज पहले, उससे पहले हो सकता है उसके बाद में नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन ये है, ऑफ डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट एक्वायर को क्या करना पड़ेगा, एक्वायर को पब्लिक अनाउंसमेंट, एक्वायर को एस्क्रो अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले पब्लिक अनाउंसमेंट आता है, डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट आता है, एंड डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट के एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज बिफोर एस्क्रो अकाउंट ओपन किया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या यहाँ पे क्वेश्चन में डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट की इन्फॉर्मेशन दिया है अपने को,
आंसर इज नो, बिकॉज फाइव विदिन फाइव वर्किंग डेज डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट देना है, तो ये फाइव वर्किंग डेज में कोई भी हो सकता है, इट मे बी द डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट, कि आपने जिस दिन पब्लिक अनाउंसमेंट दिया उसी दिन आपने डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट भी दे दिया, पॉसिबल ना? अगर क्वेश्चन में डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट दिया होता तो वी वुड हैव कंसिडर्ड द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ एस्क्रो अकाउंट फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया, इफ यू सी द क्वेश्चन, इट सेज दैट ऑन फ्राइडे 14th दिसंबर वन ऑफ द शेयरहोल्डर ऑफ एक्वायर गणेश हु वॉज होल्डिंग 30% मेड अ पब्लिक अनाउंसमेंट, हैव दे गिवन द डेट ऑफ डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट? नो. तो अगर डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दिया है एंड डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट नीड टू बी गिवन विद इन फाइव वर्किंग डेज ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट, मतलब ऐसा हो सकता है ना कि जिस दिन पब्लिक अनाउंसमेंट दिया उसी दिन डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट भी दे दिया, तो यहाँ पे बिकॉज द डेट ऑफ डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट इज नॉट क्लियरली मैंशन, तो यहाँ पे सेफर साइड के लिए अगर हम लोग एस्क्रो पहले ओपन करते हैं तो इट इज ऑलवेज बेटर, बिकॉज डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट के टू वर्किंग डेज बिफोर एस्क्रो अकाउंट ओपन होना चाहिए. तो यहाँ पे क्या लिखा है, द एस्क्रो अकाउंट शुड बी क्रिएटेड ऑन और बिफोर 12th December 2018. याद रखना यहाँ पे हम लोग ने एस्क्रो की डेट को कैलकुलेट करने के लिए पब्लिक अनाउंसमेंट की डेट लिया है, क्यों? क्योंकि डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट की डेट नहीं दिया है. अगर डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट की डेट दिया होता सो एस्क्रो को ओपन करने की डेट का जो कैलकुलेशन होता इट शुड हैव बीन डन विद रेफरेंस टू द डेट ऑफ डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट. क्लियर? तो आई होप आपको ये समझा कि यहाँ पे पब्लिक अनाउंसमेंट की डेट दी है, डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट की डेट नहीं दिया है, इसलिए ऑन कंजर्वेटिव साइड इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू टेक द डेट विच इज बिफोर द डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट विद रिस्पेक्ट टू द ओपनिंग ऑफ एस्क्रो अकाउंट. व्हाई? प्योरली बिकॉज द डेट ऑफ डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट इज नॉट गिवन. क्लियर? अब देखो, अब यहाँ पे कंसिडरेशन पेबल अंडर ओपन ऑफर क्या है, एज आई सेड दैट एस्क्रो की जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है कंसिडरेशन पेबल अंडर ओपन ऑफर. तो कंसिडरेशन पेबल अंडर ओपन ऑफर कितना है, तो 13 करोड़ इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 500 रुपीज पर शेयर, बिकॉज प्राइस कितना कैलकुलेट हो रहा है, ऑफर प्राइस कितना आ रहा है, इट इज 500 पर शेयर. तो यहाँ पे व्हाट इज बीइंग सेड दैट 13 करोड़ इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 500 रुपीज ईच, मतलब कंसिडरेशन पेबल अंडर ओपन ऑफर कितना हो गया, इट इज 6500. तो एस्क्रो में कितना वैल्यू आएगा, उसमें क्या लिखा है कि 500 करोड़ तक 25% एंड 500 करोड़ से ऊपर में क्या है कि 500 करोड़ का 25% एंड बैलेंस का 10%. तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड इन एस्क्रो अकाउंट कितना हो जाएगा, 500 करोड़ का 25% एंड बैलेंस, व्हाट इज बैलेंस, बैलेंस का 10%. क्लियर? तो यहाँ पे कितना आ गया, तो 125 करोड़ प्लस 600 करोड़ इट इज इक्वल टू 725 करोड़. क्लियर? सो दिस मच अमाउंट नीड टू बी डिपॉजिटेड इन एस्क्रो अकाउंट. एंड एस्क्रो में हम लोग किस तरीके से फंड डिपॉजिट कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है, सेकेंड पार्ट क्या बोलता है, इट सेज दैट द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज दैट एक्सप्लेन द फॉर्म ऑफ मेंटेनिंग द एस्क्रो अकाउंट. नाउ रिमेंबर वन थिंग स्टूडेंट्स, एस्क्रो में आप किस तरीके से एस्क्रो अकाउंट को मेंटेन कर सकते हो, ऑलवेज रिमेंबर एस्क्रो कैन बी मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ कैश, एस्क्रो कैन बी मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ बैंक गारंटी इश्यूड इन फेवर ऑफ मर्चेंट बैंकर और मैनेजर टू ओपन ऑफर, एंड एस्क्रो कैन बी मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज. क्लियर? सो एस्क्रो में तीन चीजें याद रखना कि एस्क्रो आप किस तरीके से मेंटेन कर सकते हो, कैश के फॉर्म में, बैंक गारंटी के फॉर्म में एंड सिक्योरिटीज के फॉर्म में, एंड दिस इज द वे बाय विच कंपनी एक्वायरर कैन मेंटेन द एस्क्रो अकाउंट. क्लियर? सो दिस मच यू हैव टू आंसर इन दिस क्वेश्चन. याद रखना बच्चों, इस क्वेश्चन में ट्रिक क्या था, इस क्वेश्चन में आपको डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट दिया था, लेकिन एस्क्रो का कैलकुलेशन डेट ऑफ डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट से होता है, एंड डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट नीड टू बी मेड विद इन फाइव वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट. सो बिकॉज डेट ऑफ डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट इज नॉट गिवेन, एंड दैट इज वेयर वाइल डिटरमाइनिंग द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ एस्क्रो अकाउंट ऑन कंजर्वेटिव साइड वी हैव कंसिडर्ड द डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट इट्सेल्फ. क्लियर? अब देखो,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ ये क्वेश्चन 2020 दिसंबर में आया है. क्या लिखा है? नोवा इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमेटिव इक्विपमेंट. मतलब नोवा इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो एक इंडियन कंपनी है जो किस बिजनेस में इन्वॉल्व है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोटिव इक्विपमेंट. द इक्विटी शेयर्स ऑफ नोवा इज लिस्टेड ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. मतलब कंपनी जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है. स्टार इन्वेस्टमेंट वेंचर लिमिटेड स्टार ओन्ड 60% स्टेक इन नोवा. मून इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड मून ओन 40% स्टेक इन नोवा. मतलब यहाँ पे अरेंजमेंट कुछ ऐसा है तो यहाँ पे नोवा जो है वो टारगेट कंपनी है. नौ इस कंपनी में एक है स्टार. नौ स्टार नोवा में कितना होल्ड कर रहा है? 60%. दूसरी कंपनी है मून. मून नोवा में कितना होल्ड कर रहा है? 14%. इसका मतलब बाकी जो है नो अदर्स कितना होल्ड कर रहे हैं? 70%. आई क्या लिखा है? स्टार एंड मून हैज ऑल्सो बीन क्लासिफाइड एज प्रमोटर ऑफ द नोवा इन इट्स शेयर होल्डिंग पैटर्न ओवर द लास्ट 5 ईयर्स. इसका मतलब ये जो स्टार और मून जो हैं दे आर बेसिकली प्रमोटर ऑफ नोवा. इसका मतलब ये कौन से शेयर होल्डर हैं? पब्लिक शेयर होल्डर. क्लियर? अब देखो फर्दर क्या लिखा है. एज डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ स्टार एंड मून इट इज प्रपोज दैट मून विल बी एब्जॉर्ब बाय स्टार. मतलब मून जो है वो स्टार में एब्जॉर्ब हो जाएगा. इसका मर्जर हो जाएगा. क्लियर? अच्छा, अगर स्टार मून का मर्जर स्टार में हो जाता है, क्लियर, तो मून बींग अ ट्रांसफर कंपनी बंद हो जाएगा एंड स्टार बींग अ ट्रांसफरिंग कंपनी सर्वाइव करेगा एंड स्टार की होल्डिंग नोवा में बढ़ जाएगी बिकॉज ये 14% निकल जाएगा एंड स्टार रिक्वायर 30% स्टेक. नाउ 60% पहले से था, 14% मर्जर के थ्रू मिल जाएगा. क्या लिखा है? इट इज प्रपोज दैट मून विल बी एब्जॉर्ब बाय स्टार थ्रू अ स्कीम ऑफ अरेंजमेंट परसुएंट टू विच. स्कीम ऑफ अरेंजमेंट से मर्जर हो जाएगा. परसुएंट टू विच स्टार होल्डिंग इन नोवा विल बी इंक्रीज फ्रॉम 16% टू 30% एज द शेयर्स हेल्ड बाय मून विल बी ट्रांसफर टू स्टार. मतलब जो भी मून के पास शेयर्स पड़े थे नोवा के वो भी स्टार के पास आ जाएंगे. मतलब स्टार की होल्डिंग कितनी हो जाएगी? 16% से बढ़ के 30% हो जाएगा. नाउ क्या लिखा है? एंड वेस्टेड इन स्टार एंड देयर शेयर होल्डर विल बिकम शेयर होल्डर ऑफ स्टार. इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो यहाँ पे देयर मस्ट बी शेयर होल्डर ऑफ मून एंड देयर मस्ट बी शेयर होल्डर ऑफ स्टार. तो यहां पे स्टार क्या कर रहा है? इन शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू कर रहा है. मतलब पीसी किस फॉर्म में दिया जा रहा है? शेयर्स के फॉर्म में. तो जो पहले मून के शेयर होल्डर थे वो अब किसके शेयर होल्डर बन जाएंगे? स्टार के. द एंटायर कंसिडरेशन फॉर द amalgamation वुड बी डिस्चार्ज बाय स्टार बाय इशू ऑफ इट्स शेयर्स. मतलब यहाँ पे पूरा पीसी कैसे पे किया गया है?
अपने शेयर्स को इशू करके, मतलब यहाँ पे स्टार ने अपने शेयर्स इशू किए हैं किसको, टू द शेयर होल्डर ऑफ मून लिमिटेड फॉर डिस्चार्जिंग परचेज कंसिडरेशन. क्लियर? नाउ द स्कीम इज लाइकली टू बी कंप्लीटेड एंड अप्रूव बाय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल सम टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2019-20. मतलब स्कीम को एनसीएलटी का कंफर्मेशन भी मिल गया. क्लियर? अब एक्सप्लेन द प्रोविजंस एंड कंडीशंस गिवन अंडर रेगुलेशन 10(1)(d)(3) ऑफ सेबी एसएएसटी रेगुलेशन 2011 फॉर अवेलिंग द एग्जम्पशन. मतलब यहाँ पे रेगुलेशन 10(1)(d)(3) में जो कंडीशंस दिया है आपको वो एक्सप्लेन करना है. दैट इज वन थिंग. एंड सेकेंड, वुड द ट्रांसफर एंड वेस्टिंग ऑफ शेयर्स ऑफ नोवा इन मून ऑफ नोवा इन स्टार भी एग्जेंट फ्रॉम ओपन ऑफर ऑब्लिगेशन. मतलब ये जो स्टार की होल्डिंग बढ़ रही है नोवा लिमिटेड में, तो क्या यहाँ पे स्टार लिमिटेड को, क्या नोवा के पब्लिक शेयर होल्डर को ओपन ऑफर देना पड़ेगा या एग्जम्पशन मिलेगा. अब देखो इस डायग्राम को ध्यान से समझो. डायग्राम क्या था? नोवा जो है वो एक लिस्टेड कंपनी है, टारगेट कंपनी है. उसके दो शेयर होल्डर हैं, स्टार एंड मून, जो कि प्रमोटर हैं. सो दे आर पार्ट, दे आर द प्रमोटर ऑफ नोवा. एंड स्टार के पास 60% होल्डिंग पड़ी थी नोवा की, एंड मून के पास 14%. बाकी शेयर्स जो पड़े हैं 70% स्टेक, दैट इज वेस्ट टू द पब्लिक शेयर होल्डर. क्लियर? अब यहाँ पे ये डिसीजन होता है कि मून स्टार में मर्ज हो जाएगा, तो मून लिमिटेड ट्रांसफरर कंपनी है वो खत्म हो जाएगा, स्टार लिमिटेड ट्रांसफरी कंपनी है वो सरवाइव करेगा. एंड इस मर्जर की वजह से, बिकॉज मर्जर में जो भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज होता है ऑफ ट्रांसफरर कंपनी विल बिकेम द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ ट्रांसफरी कंपनी. तो यहाँ पे जो भी एसेट लाइबिलिटी में, मून का जो भी एसेट लाइबिलिटी है वो स्टार का बन जाएगा. तो मून का वन ऑफ द एसेट क्या है? इज द इन्वेस्टमेंट इन नोवा, तो वो भी स्टार का हो जाएगा. तो स्टार का बाय वर्च्यू ऑफ मर्जर होल्डिंग कितनी हो जाएगी? 16% से बढ़ के कितना हो जाएगा? 30%. अब यहाँ पे मून लिमिटेड के जो भी शेयर होल्डर हैं वो अब स्टार लिमिटेड के शेयर होल्डर बन गए. कैसे? क्योंकि स्टार लिमिटेड उनको शेयर्स दे रहा है फॉर डिस्चार्जिंग परचेज कंसिडरेशन. तो यहाँ पे दो चीज पूछी गई है. एक, आपका रेगुलेशन 10(1)(d)(3) में एग्जम्पशन की क्या रिक्वायरमेंट है, एंड सेकेंड, क्या स्टार लिमिटेड को एग्जम्पशन मिलेगा या नहीं. क्लियर? अब देखो नाउ, सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द फैक्ट ऑफ द केस. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग. इसको हम लोग एक शॉर्ट प्रिसाइज फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे पॉइंट वाइज, एंड देन वी गो टू द एप्लीकेबल सेक्शन, एंड देन वी गो टू द आंसर. सो अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है. नाउ दिस इज समथिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. एक बार देख लेते हैं फैक्ट ऑफ द केस को प्रिसाइज तरीके से कैसे प्रेजेंट किया गया है. सो नोवा इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज इंडियन कंपनी इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोटिव इक्विपमेंट. द इक्विटी शेयर ऑफ नोवा आर लिस्टेड ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. स्टार इन्वेस्टमेंट वेंचर लिमिटेड स्टार ओन 60% स्टेक इन नोवा. मून इन्वेस्टमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड मून ओन 40% स्टेक इन नोवा. स्टार एंड मून हैव ऑल्सो बीन क्लासिफाइड एज प्रमोटर्स ऑफ नोवा इन द शेयर होल्डिंग पैटर्न फॉर द ओवर द लास्ट 5 ईयर्स. एज डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ स्टार एंड मून, इट इज प्रपोज दैट मून विल बी एब्जॉर्ब बाय स्टार थ्रू अ स्कीम ऑफ अरेंजमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो मर्जर हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के थ्रू. परसुएंट टू विच स्टार शेयर होल्डिंग इन नोवा विल इंक्रीज फ्रॉम 16% टू 30% एज द शेयर्स हेल्ड बाय मून विल बी ट्रांसफर टू स्टार इन्वेस्टेड इन स्टार एंड देयर शेयर होल्डर विल बिकम शेयर होल्डर ऑफ स्टार. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. किसके शेयर होल्डर स्टार के शेयर होल्डर बन जाएंगे? मून के शेयर होल्डर स्टार के शेयर होल्डर बन जाएंगे. क्यों? क्योंकि मून यहाँ पे जो भी परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज कर रहा है वो कैसे डिस्चार्ज कर रहा है? बाय इशूइंग इट शेयर्स. क्या लिखा था? एंटायर कंसिडरेशन फॉर द एमलगमेशन वुड बी डिस्चार्ज बाय स्टार बाय इशू ऑफ इट्स शेयर्स. द स्कीम इज लाइकली टू बी कंप्लीटेड एंड अप्रूव बाय एनसीएलटी सम टाइम ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2019-20. अब देखो, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको फर्स्ट में क्या बोला है कि आपको रेगुलेशन 10(1)(d)(3) के जो कंडीशन है वो बताने पड़ेंगे. तो क्या लिखा है? एज पर रेगुलेशन 10(1)(d)(3) ऑफ सेबी एसएएसटी रेगुलेशन 2011, द फॉलोइंग एक्विजिशन शैल बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम द ऑब्लिगेशन टू मेक ओपन ऑफर अंडर रेगुलेशन 3 एंड 4 सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन स्टिपुलेटेड. देयरफॉर क्या कंडीशन दिया है?
इट सेज दैट एक्विजिशन पर्सुएंट टू द स्कीम ऑफ अमलगमेशन नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्विंग द टारगेट कंपनी, मतलब यहाँ पे टारगेट कंपनी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है एज द ट्रांसफर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी और रिकंस्ट्रक्शन नॉट हैविंग द टारगेट कंपनीज अंडरटेकिंग इंक्लूडिंग अमलगमेशन मर्जर डी मर्जर पर्सुएंट टू द ऑर्डर ऑफ कोर्ट और ट्रिब्यूनल अंडर द लॉ और रेगुलेशन इंडियन और फॉरन सब्जेक्ट टू, क्या कंडीशन दिया है? फर्स्ट कंडीशन द कॉम्पोनेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द कंसिडरेशन बींग पेड बींग लेस देन 25% ऑफ कंसिडरेशन पेड अंडर द स्कीम, मतलब कैश कॉम्पोनेंट कितना होना चाहिए जो भी टोटल कंसिडरेशन स्कीम का दिया है उसके 25% से कम होना चाहिए. सेकेंड क्या लिखा है? वेयर आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम और अरेंजमेंट पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होल्डिंग एटलीस्ट 33% ऑफ द वोटिंग राइट इन द कंबाइंड एंटिटी आर द सेम एज द पर्सन हु होल्ड एंटायर वोटिंग राइट बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम, मतलब जो भी पर्सन ट्रांसफरी कंपनी में स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन से पहले 100% वोटिंग राइट होल्ड करते थे दे शुड बी होल्डिंग मिनिमम 33% वोटिंग राइट आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम. क्लियर? सो दीज आर द टू कंडीशन विच इज बीइंग गिवन अंडर टेकओवर रेगुलेशन जिसमें आपको ओपन ऑफर देने की रिक्वायरमेंट एग्जेम्प्ट हो जाती है व्हेन द टारगेट कंपनी इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड एज ट्रांसफरर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी. फर्दर क्या दिया है? सेकेंड क्या लिखा है? द स्टार इज एलिजिबल टू अवेल दिस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10(1)(d)(3) ऑफ सेबी एससीएसटी रेगुलेशन सिंस. अब देखो यहाँ पे स्टार को एग्जेम्पशन मिल सकता है सिंस, क्यों? पहला द एक्विजिशन ऑफ द शेयर्स ऑफ द टारगेट कंपनी इज बीइंग मेड पर्सुएंट टू द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट सैंक्शन बाय एनसीएलटी, मतलब स्टार को नोवा के शेयर्स क्यों मिले हैं और कैसे मिले हैं? अंडर द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट जिसको एनसीएलटी ने अप्रूव किया है, दैट इज वन थिंग. सेकेंड द एंटायर कंसिडरेशन इज बींग डिस्चार्ज बाय स्टार बाय इशू ऑफ इट शेयर सो देर इज नो पॉइंट ऑफ द कंसिडरेशन बींग पेड इन टर्म्स ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट. यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है कि स्टार ने पूरा कंसिडरेशन कैश के फॉर्म में डिस्चार्ज नहीं किया है, उन्होंने पूरा कंसिडरेशन सिक्योरिटीज के फॉर्म में डिस्चार्ज किया है, कैश दिया ही नहीं है. इसका मतलब जो कंडीशन में लिखा था कि कैश कॉम्पोनेंट इज लेस देन 25%, वो कंडीशन तो एप्लीकेबल कंप्लीट हो गया, कंप्लाई हो गया, मतलब कैश दिया ही नहीं है, पूरा का पूरा कंसिडरेशन शेयर्स के फॉर्म में दिया है. एंड लास्ट क्या लिखा है? दैट पोस्ट मर्जर सिंस स्टार विल इशू इट शेयर्स टू द शेयर होल्डर ऑफ मून सच शेयर होल्डर विल होल्ड मोर देन 33% स्टेक इन द स्टार. नाउ इसमें क्या लिखा है? इट सेज दैट कि अगर आपका 33% की जो शेयर होल्डिंग है दैट शेयर होल्डिंग कंडीशन नीड टू बी कंप्लाइड एंड दैट सिंस स्टार इज इशूइंग इट्स शेयर्स टू द शेयर होल्डर ऑफ मून दिस कंडीशन विल बी एप्लीकेबल. याद रखना, अगर क्वेश्चन में ये दिया होगा कि ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं हो रहा है तो फिर कंडीशन कंप्लाई नहीं होगा, बट इफ दे हैव नॉट मैंशन एनी थिंग वी आर प्रिज्यूमिंग दैट द कंडीशन बींग कंप्लाइड. एंड अगर कंडीशन कंप्लाई हो रहे हैं तो स्टार को ओपन ऑफर देने की जरूरत नहीं है. क्लियर? एंड विद दिस टेक ओवर की जो भी केस स्टडीज आज तक इंस्टीट्यूट ने पूछा है दैट बीइंग डन. एंड फॉर द सेक ऑफ योर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मैं ये जो पूरी शीट है जिसमें मैंने डायग्राम बनाया एंड एवरीथिंग ये भी मैं आपको वीडियो के साथ प्रोवाइड कर सकता हूँ विच विल बी अंडर द डिस्क्रिप्शन लिंक. तो आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं. एंड सेकेंड थिंग, रिमेंबर स्टूडेंट्स, टेक ओवर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड इट इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द ABC एनालिसिस. तो जो भी ABC एनालिसिस फॉर योर CS एग्जीक्यूटिव है that we have already made and it is on our YouTube channel. तो जिन्होंने हमारा ABC analysis नहीं देखा है, a strategy to clear CS executive, you must watch that thing because that will help you to understand कि आपको किस तरीके से अपनी पढ़ाई को structure करना चाहिए. So with this, thank you so much.